नमस्कार, सर्विलांस खबर में आप सभी का स्वागत है। जनादेश महारैली में अखिलेश यादव ने भरी हुंकार। भाषण के दौरान राम अचल हुए भावुक, कह गए बड़ी बात। अंबेडकर नगर भानुमति पीजी कॉलेज अकबरपुर विशाल मैदान में लाखों की संख्या में सपा समर्पित नौजवानों ने एकत्रित होकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया। मंच पर जहां सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री राममूर्ति वर्मा सहित तमाम समर्थक उपस्थित रहे, वहीं बसपा पार्टी से निष्कासित राम अचल राजभर व लालजी वर्मा के समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। अपने भाषण के दौरान लालजी वर्मा ने भाजपा पार्टी व बसपा सुप्रीमो को आड़े हाथों लिया। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री राम अचल राजभर ने भावुक अंदाज में बोलते हुए बसपा पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के ऊपर जमकर हमला किया। उन्होंने वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रदेश की कुशासन वाली सरकार कहकर संबोधन किया और नौजवानों से आह्वान किया कि 2022 में भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार को उखाड़ फेंकना है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के भाषण शुरू करने से पहले युवाओं का जोश इतना हाई था कि लोग बैरिकेडिंग तोड़ते हुए मंच के करीब आ गए। एक बार तो पुलिस को स्थिति संभालने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, किसी तरह से स्थिति सामान्य हो सकी। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा की सरकार बनाने के लिए युवाओं से आह्वान किया और हुक्काबाज मुख्यमंत्री, बुलडोजर वाला मुख्यमंत्री आदि नामों से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जमकर कोसा। और अंत में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि यदि हमारी सरकार बनी तो बुनकरों व गरीबों को सुविधा देंगे। वहीं कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मित्र संगठन के जिलाध्यक्ष अनूप त्रिपाठी तथा पुरानी पेंशन बहाली और निजीकरण व्यवस्था को समाप्त करने के लिए टीम अटेवा अंबेडकर नगर ने पूर्व मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। देखिए अंबेडकर नगर से सर्विलांस खबर संवाददाता लालजी चतुर्वेदी की यह रिपोर्ट। सिद्धार्थ मिश्रा जी जलालपुर और माननीय राममूर्ति वर्मा जी भी उसमें मंच पर फोटो खिंचा ले, उनका भी साथ सम्मान है। और हमारे सिद्धार्थ मिश्रा जी भाई प्रदीप पालीवाल बाहर हो तो जल्दी आ जाए। हमारे जो हैदर अब्बास है लोकेट हाई कोर्ट, बहुत जल्दी आप लोग अपना समय दे दे। एक मिनट में भाई तूफानी सरोज जी, भाई रमन शंकर विद्यार्थी राजभर जी पाली किसान भाई का ये बात भूल जाएंगे कि गाड़ी से कुशल दिया गया और दो डबल इंजन सरकार ने नहीं, तीन इंजन वाली सरकार ने कुशलने का काम किया। दिल्ली की सरकार, यूपी की सरकार और लखीमपुर में है मंत्री जो सरकार के हैं, तीन तीन इंजन में किसान को कुचलने का काम किया। किसान को भी न्याय नहीं मिल पा रहा है और जब तक इस सरकार में रहेंगे हमें कोई उम्मीद नहीं कि किसानों को न्याय मिल जाएगा। बताओ किसान भाइयों, हमारे किसानों की नहीं मदद कर रही, वहीं राइस मिल मालिकों की भी कोई सुध नहीं ले पा रहा है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ, इन बातों को मैं इसलिए कह रहा हूँ आपके सामने क्योंकि समाजवादी लोगों ने काम कर करके दिखाया था। समाजवादी लोगों ने जनता को जोड़ करके जनता के बीच में खुशहाली कैसे आए उस दिशा में काम करना शुरू किया था।
जब से ये सरकार आई है, जब से ये सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, इसने जहां अन्याय बढ़ाया है वहीं हमारे किसानों को धोखा देने का काम।